Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Cosmic Forum by Lakshmi Narayan and Lakshmi Narayan Maths Faculty is my Facebook page. जैसा आप लोगों को मालूम है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे. आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं. उम्मीद करते हैं आपने कल तक का काम पूरा कर लिया होगा और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप उसको कर लीजिए क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है जी, तो आज के हम लोग शुरुआत करते हैं. अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसके बीच में कहीं पे कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूशंस थे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ कनेक्ट करके आपको सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से फॉर्मूलों को हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है. ठीक है जी, तो दो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे, उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा. एक बार मैं रिपीट भी करा देता हूँ. सबसे पहली चीज हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स, है ना. अब जितने भी क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं वो सारे आइडेंटिटीज से होंगे और आपको आइडेंटिटीज को लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई, इनका जो प्रूफ है वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूं. एक्स प्लस वाई और डिवाइड में कितना था, वन माइनस एक्स वाई. टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई. आपसे कहते हैं इफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज लेस देन वन, क्योंकि अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके करने वाले हैं और आप देखेंगे उसके अंदर कई जगह पे जो हमारे आंसर्स हैं उन आंसर्स को रिजेक्ट किया गया है. वो आंसर जो रिजेक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होते हैं, इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा अगर एक्स वाई का वैल्यू एक से छोटा है. ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है सेकेंड नंबर पे, हम उसको लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स और माइनस का टेंजेंट इनवर्स वाई. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं This is equal to tangent inverse. This will be x minus y upon 1 plus xy if the value of xy is less than minus 1. जो xy, sorry, xy is greater than minus 1. The value of xy is greater than minus 1. अब मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि आप इन दोनों चीजों को अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम लोग आपको कराने वाले हैं जहां पे कुछ वैल्यूज को हम लोगों को रिजेक्ट करना पड़ता है और वो वैल्यूज रिजेक्ट सिर्फ इसी की वजह से होती है. इसी के बीच में तीन चार आइडेंटिटीज और भी आती हैं कि अगर एक्स वाई का वैल्यू चेंज हो तो समय में क्या आना है, वो जब क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा. फिलहाल आपको यही याद करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन वन. उसके बाद आपसे कहता है टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई इफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन. ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. एक आधा सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसमें आपको पता लगेगा इस आइडेंटिटीज को हम लोगों को अप्लाई कैसे करना होता है. जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाकी पार्ट्स बाद में कराऊंगा, सिंपल एक पार्ट में करवा रहा हूं ताकि आप आइडेंटिटी लगानी सीख जाए. ठीक है, जैसे आपसे कहते हैं हमारे पास लिखा है टेंजेंट इनवर्स, फिर हमारे पास है 1/2, फिर आपसे कहते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/3, आपसे कहते हैं आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो इसका आंसर होगा दैट विल बी पाई बाय 4. टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस का टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाय 4 के, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है. ठीक है जी, तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं, ऊपर वाली लग रही है तो जब आप इसमें आइडेंटिटी लगाओगे तो आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स, इसको हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3, फिर हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ऐसा हो जाएगा. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 1/2 है, y का वैल्यू 1/3 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा और 1/6 एक से छोटा होता है तो बिल्कुल हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी आसानी से लगा सकते हैं. ठीक है जी, तो जब आप इसको लिखोगे तो हमारे पास आएगा दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स. हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यू कैन राइट इट एज 3 + 2, इसको लिखेंगे 1 - 1/6, तो हमारे पास आएगा दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसको हम लिखेंगे तो 5/6, इसको लिखेंगे 6 - 1/6, 6 से 6 कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स 5/5, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 आएगा और जो टेंजेंट इनवर्स 1 है वो वैल्यू आपको मालूम है किसका होता है, पाई बाय 4 का. सो यू कैन राइट इट एज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आएगा. तो इस तरह से अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी को बहुत इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं. टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस का टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ऐसा हमें प्रूव करना था. हम लोगों ने आइडेंटिटी लगाया टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 1/3,
इसका एलसीएम ले लिया 6 आ गया 5 बाय 6, इसको लिखेंगे 5 बाय 6 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके हमारे पास 1 आएगा। आपको मालूम है 1 जो वैल्यू होती है वो कहां होती है, टेंजेंट पाई बाय 4 के ऊपर होती है। ठीक है जी, इसके बाकी पार्ट्स मैं अभी आपको करवाऊंगा, ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही करवा दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए सिस्टम। इसी के साथ एक आइडेंटिटी और है, उसको भी मैं लिख रहा हूं, ध्यान से लिख लेना, दो आइडेंटिटीज है इनफैक्ट, ताकि फिर उसके बाद हम सीधे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। ठीक है, आपसे कहते हैं आप पुट x इज इक्वल टू y इन 1, आप x इज इक्वल टू y को 1 में पुट कर दो। अगर आप x इज इक्वल टू y को 1 में पुट करेंगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, और यहां लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स x दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस x डिवाइड बाय 1 माइनस x मल्टीप्लाई x, ऐसा बन जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x में टेंजेंट इनवर्स x को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा दिस विल बी 2 टेंजेंट इनवर्स x। हम लोग इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x के। हमने कंडीशन पढ़ा था x y का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब यहां पे जो कंडीशन है दैट इज x स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, और अगर x स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो सीधी सी बात है x का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। बेशक ये वाली कंडीशन आप मत भी याद करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये आइडेंटिटी तो सीधा याद होनी चाहिए कि 2 टेंजेंट इनवर्स x, this 2 tangent inverse x, this is always equal to tangent inverse 2x divided by 1 minus x के। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से लर्न करना है। tangent inverse x plus का tangent inverse y, this will be tangent inverse x plus y upon 1 minus xy if the value of xy is less than 1। उसके बाद हमारे पास है tangent inverse x minus tangent inverse y, आप लिखेंगे tangent inverse x minus y when the value of xy is greater than minus 1, और 2 tangent inverse x is equal to tangent inverse 2x divided by 1 minus x square when the value of x square is less than 1, और you can say x lies between minus 1 and plus 1। ठीक है जी, तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे 2016 के तो 2017 के, तो आपको यहां से चार चार नंबर के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए आपसे क्या कहता है। हमारी बुक में एक दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बुक में क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहता है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई, और हम इसको लिखेंगे माइनस का टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, और आपसे कहते हैं यू हैव टू प्रूव दैट, इसका आंसर पाई बाय 4 आएगा, और x और y के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि x और y का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब x और y का वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो हमने स्टार्ट किया सिंपल आइडेंटिटी जो हम लोगों को मालूम है, हमने लगाया टेंजेंट इनवर्स a माइनस b x बाय वाई माइनस का x माइनस वाई बाय x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस x बाय वाई, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई और डिवाइड में कितना आएगा x प्लस वाई, ऐसे होता है ना टेंजेंट इनवर्स a माइनस b, तो टेंजेंट इनवर्स a माइनस b को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स a माइनस b डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स, हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा y into x plus y, तो y से तो कैंसिल हो ही जाएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा x into x plus y, और इसकी मल्टीप्लाई होगी y से, तो आप इसको लिखोगे x minus y, डिवाइड में जब आप इसको लिखोगे तुम्हारे पास आएगा y into x plus y, इसको लिख देंगे तुम्हारे पास आएगा x square और minus y square डिवाइड बाय y into x plus y, है ना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो आइडेंटिटी हम लोगों को दे रखा था वो आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज कर दिया। चलिए जी, y into x plus y से y into x plus y कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको खोलो, जब आप इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद हमारे पास क्या आएगा x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तुम्हारे पास x square आएगा, x का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दिस विल बी एक्स वाई, वाई का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का वाई एक्स, और माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस वाई से करेंगे दैट विल बी प्लस वाई स्क्वायर, इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा दिस विल बी एक्स वाई प्लस वाई की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे दिस विल बी वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो माइनस का एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा, तो इस वाले एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इस वाले एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास रहेगा टेन इनवर्स, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देंगे ये हमारे पास वन आ जाएगा। अगर हम लोग वन निकालेंगे तो आपको मालूम है जो वन वैल्यू होती है, वन वैल्यू कहां पर होती है टेंजेंट पाई बाय 4 पे,
और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी पाई बाई फोर, वही आएगा जो हम लोगों को प्रूव करना था। तो दो नंबर में बिल्कुल ऐसा सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस का टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर। हम लोगों ने लिखा टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाई वन प्लस ए बी, इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, जो जिससे कटता था उसे काट दिया, हमारे पास बचा टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा वन आ जाएगा, आपको मालूम है वन वैल्यू कम आती है पाई बाई फोर पे, सो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई फोर, सो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कटेगा, जब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कटेगा तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई फोर, सिंपली जो हमारा आंसर होगा वो पाई बाई फोर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, कर लेंगे इसको, आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें पांच पार्ट है और चार एग्जांपल्स हैं। अब ये मान के चलिए इन नौ में से एक क्वेश्चन आपको जुलाई वाले पेपर में बिल्कुल देखने को मिल सकता है चार नंबर का, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारी बुक में है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो आपसे क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमारे जो पेपर में सवाल आता है तो लगभग ऐसा देखा गया है कि यहां से चार चार नंबर में दो सवाल पूछे जाते हैं जिसमें और लगा होता है, आपको एक करना होता है, एक में आपसे कहता है सोल्व फॉर वैल्यू ऑफ एक्स और एक में आपसे कहता है प्रूव करके दिखाओ कि इसका जो आंसर आएगा वही आएगा। तो दोनों में ऑप्शन होता है, कोई भी आ सकता है, सोल्व आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं और पिछले जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें मैक्सिमम सोल्व आया, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का टू टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो आपसे कहते हैं ये बताओ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का टू टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, और आपसे कहते हैं ये बताओ जो एक्स होगा उस एक्स का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना चाहते हैं, ऑब्वियस बात है कोई भी इक्वेशन होगा तो हम लोग चाहते हैं कि सारा एक जैसा हो, या तो सारा टेन इनवर्स एक्स में बन जाए और या फिर सारा का सारा कोट इनवर्स एक्स में बन जाए। तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग कोट इनवर्स एक्स को भी चेंज कर सकते हो, आप लोग टेंजेंट इनवर्स एक्स को भी चेंज कर सकते हो आइडेंटिटी से, क्योंकि मुझे मालूम है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई टू, और अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स एक्स, फिर हमारे पास क्या लिखा है टू टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, और अगर टू टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स लिखा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो प्लस का कोट इनवर्स एक्स, फिर आप लिख सकते हो प्लस का कोट इनवर्स एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, इसके बराबर है पाई बाई थ्री। हमारे पास टू कोट इनवर्स एक्स था तो टू कोट इनवर्स एक्स को हमने तोड़ के लिख दिया कोट इनवर्स एक्स और प्लस का कोट इनवर्स एक्स। अब आपको मालूम है टेंजेंट इनवर्स एक्स और प्लस का कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का कोटेंजेंट इनवर्स एक्स जो इसका वैल्यू है दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू, फिर हमारे पास क्या है दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स और किसके बराबर है टू पाई बाई थ्री, तो हम इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री और माइनस का पाई बाई टू, तो हम इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सिक्स आएगा, जब आप इसको लिखोगे तो फोर पाई और माइनस का थ्री पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। तो जब हम लोग यहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आएगा कोट पाई बाई सिक्स, तो कोट पाई बाई सिक्स का मतलब है कोट थर्टी, और मुझे मालूम है जो कोट 30 है उस कोट 30 का वैल्यू कितना है रूट थ्री, इसलिए आप कह सकते हो ये वाला जो x हमारे पास आएगा ये वाला x इसका वैल्यू जो हमारे पास होगा दैट इज रूट थ्री। ठीक है ना, टेंजेंट इनवर्स x प्लस का 2 टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, 2 कोटेंजेंट इनवर्स x को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं प्लस का कोटेंजेंट इनवर्स x और प्लस का कोटेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x प्लस का कोटेंजेंट इनवर्स x हमेशा पाई बाय 2 के बराबर होता है प्लस का कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, उसके बाद आप इसको लिखेंगे कोट इनवर्स एक्स, इसको इधर खींच के लाएंगे माइनस का पाई बाई टू, इसका एलसीएम लेंगे सिक्स, इसको एलसीएम लेके फोर पाई माइनस थ्री पाई दिस विल बी पाई बाई सिक्स, सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कोट पाई बाई सिक्स, कोट पाई बाई सिक्स का मतलब कोट थर्टी और कोट थर्टी का मतलब कितना होता है रूट थ्री टेंजेंट थर्टी का उल्टा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, अगर आप 2016 का पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग लगभग हर कोड में आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से आप इसको कर लेना। ठीक है, जैसे आपसे कहता है हमारे पास क्वेश्चन क्या है टेंजेंट इनवर्स, फिर हमारे पास लिखा है एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस टू, फिर हमारे पास लिखा है टेंजेंट इनवर्स, हम इसको लिखेंगे क्या आएगा एक्स प्लस वन
डिवाइड बाय x प्लस टू, आपसे कहता है दिस इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो आपको ये बताना है कि जो x होगा उस x का जो वैल्यू आएगा उस x का वैल्यू क्या आएगा। सही है जी, करें स्टार्ट। चलिए जी देखते हैं क्या कहता है। आप इसको देख लो क्या कहता है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया टेंजेंट इनवर्स a प्लस b का, तो आपको मालूम है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसको लिखेंगे x प्लस वन और इसको लिखेंगे x प्लस टू, ऐसा हुआ ना। टेंजेंट इनवर्स a प्लस b दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी, और उसके साथ कंडीशन भी था क्या कि x माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस टू और x प्लस वन डिवाइड बाय x प्लस टू दिस इज लेस देन वन। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस फोर दिस विल बी लेस देन वन। तो जो भी आप x का वैल्यू निकालेंगे आप उसको यहां सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो आपका आंसर ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो हमने आपको बताया था टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y व्हेन द वैल्यू ऑफ x y इज लेस देन 1। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस टू, इसको हम लिखेंगे x प्लस टू, ये ऊपर चला जाएगा x माइनस वन x माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा x प्लस का वन और इसको लिखेंगे x माइनस टू। नीचे से इसका एलसीएम लीजिए x माइनस टू, इसको लिखेंगे x प्लस टू माइनस का x प्लस वन, इसको लिखेंगे x माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस टू और इंटू में क्या आएगा x प्लस टू, और ये हमारे पास किसके बराबर है पाई बाय फोर के बराबर है। तो x माइनस टू डिवाइड बाय x प्लस टू या आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस एक्स प्लस का दो, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स प्लस का एक्स और माइनस दो डिवाइड बाय, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर और इसको लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वन, और इस वाले टेंजेंट इनवर्स को उठा के आप उधर ले जाओ, जब इस वाले टेंजेंट इनवर्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो हमारे पास टेंजेंट पाई बाय फोर आएगा, और जो टेंजेंट पाई बाय फोर हमारे पास होता है उसका आंसर कितना होता है वन होता है। ठीक है, अब इस वाले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, उसके बाद देखिए क्या कैंसिल हो रहा, उसके बाद अब ध्यान से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, है ना। आप क्या लिखोगे दो से दो कैंसिल हो गया है ना, एक्स प्लस वाई था तो हमारे पास स्टेटमेंट यही था x माइनस वन बाय x माइनस टू और x प्लस वन बाय x प्लस टू, तो इसके साथ x प्लस टू जाएगा, x प्लस टू आएगा क्योंकि x प्लस टू उधर जाएगा ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद ये आएगा प्लस का टू एक्स माइनस का x और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस का टू, ऐसे बनेगा। अब देखिए दो एक्स से दो एक्स कटेगा, x से x कटेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2x का स्क्वायर, ये माइनस टू लिखा है और ये माइनस टू लिखा है, तो माइनस टू और माइनस टू करेंगे तो माइनस फोर, माइनस फोर प्लस वन करेंगे तो माइनस फोर प्लस वन का मतलब क्या है माइनस थ्री, और टेंजेंट पाई बाय फोर का वैल्यू कितना है वन है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, so 2x square is equal to minus 3 plus 4, so 2x square will be equal to 1, so x square will be equal to 1 by 2 and the value of x will be equal to plus minus 1 by root 2, ये हमारा आंसर आएगा। अब आप 1 by root 2 को इसके बीच में पुट करके देख लीजिए, अगर मैं 1 by root 2 को इसके बीच में लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 by 2 minus 1, इसको लिखेंगे 1 by 2 minus 4, तो ये हमारे पास बनेगा minus 1 by 2 और ये हमारे पास बनेगा minus 7 by 2, कैंसिल हो जाएगा 1 by 7 आएगा, और आपको मालूम है 1 by 7 1 से छोटा होता है, इसका मतलब चाहे आप इसमें 1 by root 2 लगा दो और चाहे आप इसमें minus 1 by root 2 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास 1 by 2 बनेगा, तो आपने लिख दिया 1 by root 2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 by 2 minus 1, इसको लिखेंगे 1 by 2 minus 4, इसको कैलकुलेट किया minus 1 by 2, इसको कैलकुलेट किया minus 7 by 2, minus से minus कटेगा 2 से 2 कटेगा, उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा 1 by 7, आपको मालूम है 1 by 7 किससे छोटा है 1 से छोटा है, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 by root 2, जो x है
उसका वैल्यू या तो 1 बाई रूट 2 हो सकता है या फिर उसका वैल्यू माइनस का 1 बाई रूट 2 हो सकता है। ठीक है जी, कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जांपल में है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है। लगभग 90% केसेस के अंदर सीबीएसई इसी तरह का सवाल हमारे पेपर में पूछता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है कि थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कैसे होगा। तो जब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है टू टेंजेंट इनवर्स, उसकी ब्रैकेट में लिखा है कोस एक्स, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और साथ में मेरे पास लिखा है टू कोसिकेंट एक्स। आपसे कहता है आपको बताना है किसका जो आंसर है इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है जी, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल आसान सी चीजें। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, हम लोगों ने पढ़ा था दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स के, ऐसे होता ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का टेंजेंट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू टू टाइम्स टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो टू टाइम्स टेंजेंट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स के। ठीक है जी, तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको यहां पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा टू कोस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आप इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, तो हमारे पास है टू कोसिकेंट एक्स, तो आप कोसिकेंट एक्स को भी क्या लिख सकते हो वन बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स है, आप इसके दोनों तरफ टेंजेंट ले लो, या सिंपल शब्दों में कहें तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है, आपको इसके दोनों तरफ टेंजेंट लेना होता है। जब हम दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा टू कोस एक्स, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर एक्स, टू कोस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा टू बाय साइन एक्स, तो दो से दो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन एक्स कोस एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के उधर लेके जाओ, जब आप इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा साइन एक्स, और ब्रैकेट में आप कॉमन निकालना चाहते हैं पहले लिख ही लो, चलो साइन एक्स कोस एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। यहां से हम लोगों ने साइन एक्स को बाहर निकाल लिया तो मेरे पास बीच में आ गया कोस एक्स और माइनस साइन एक्स, किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि जो साइन एक्स हमारे पास आएगा वो जीरो आएगा और कोस एक्स माइनस साइन एक्स जो आएगा वो जीरो के बराबर आएगा। तो जब हम लोग यहां से इसकी बात करेंगे तो आप लिख सकते हो एक्स किसके बराबर आएगा, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई कुछ भी हो सकता है, और जब हम लोग यहां ले आएंगे इसको क्या होगा, कोस एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स, जब आप इसको लिखोगे यहां कितना बनेगा वन, दिस विल बी साइन एक्स बाय कोस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वन। अब आपकी बुक में जब आप आंसर देखो तो वहां पे सिर्फ पाई बाय फोर लिखा है, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि एक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, और अगर एक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो आपको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहिए। वो मैंने आपको समझाया था कि अगर टेंजेंट थीटा, बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर जो बेसिक लेक्चर था उसमें बताया था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा होता है, तो मैं सारे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ऐसे होता ना, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो जब हम इसका बात करेंगे तो हमारे पास x निकल के आएगा विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय फोर वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अगर आप जीरो लगाएंगे तो आंसर पाई बाय फोर आ जाएगा, वन लगाएंगे तो आंसर थ्री पाई बाय फोर आएगा, माइनस वन लगाएंगे तो आंसर माइनस थ्री पाई बाय फोर आएगा, है ना, टू लगाएंगे तो हमारे पास आंसर नाइन पाई बाय फोर आएगा। तो सारे आंसर सही है, जो आपकी बुक ने x इज इक्वल टू पाई बाय फोर लिख रखा है वो भी ठीक है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना, लेकिन इसमें x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो आपको पूरा अच्छे से लिखना चाहिए। अगर आप ऐसा भी लिख देंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब बारी है इसकी, x इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो की बात करूंगा तो आप लिखेंगे x का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम यहां पे लगाएंगे तो क्या आएगा टू टेंजेंट इनवर्स x, तो टू टेंजेंट इनवर्स वन, टू टेंजेंट इनवर्स वन का होता है टू इंटू पाई बाय फोर, इसका ये राइट लेफ्ट हैंड साइड कितनी है पाई बाय टू, फिर हमने जीरो यहां लगाया, जब आप जीरो यहां लगाओगे तो कोसिकेंट जीरो क्या होगा,
कोसिकेंट जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, है ना, तो सोल्यूशन कहां से निकलने वाला है। सो हम लोग इस वाली जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। हम लोगों को फंक्शन को भी तो डिफाइन कराना है, सोल्यूशन तो हम तब निकालेंगे जो फंक्शन डिफाइन होगा, x = 0 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, और अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद x का वैल्यू हमने निकाला n पाई प्लस पाई बाय 4, और अगर आप सिंपली लिखना चाहें तो आपको मालूम है टेंजेंट x जो है वो 1 वैल्यू कहां देता है, पाई बाय 4 पे, सो द वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, दो नंबर का बिल्कुल पेपर में पूछा जा सकता है, बढ़िया पार्ट है, अच्छा टीचर पेपर बनाएगा तो बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, देखिए फोर्थ पार्ट में हमसे कहता है टेंजेंट इनवर्स 1 - x / 1 + x, दिस इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, एंड द वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, जो वैल्यू ऑफ x है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको करने वाले लोग इसको बहुत अलग अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से कराने वाला हूं, बहुत ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। CBSE ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कुछ समय पहले, स्टेटमेंट को थोड़ा मोल्ड कर दिया था, अभी बताएंगे इसके बाद की स्टेटमेंट क्या था। पहले इसको देखिए, ये सवाल हमारे पास है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस दो को वहां ले जाते हैं, टू टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाता है, 10 से 10 इनवर्स काटते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं, बहुत लेंथी होता है उससे। मैं इसके बीच में अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो हम उसमें ये आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, x - y / 1 + xy, और आपको मालूम है टेंजेंट इनवर्स x - tangent inverse y का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू x को लिख सकते हैं 1 × x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो x के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स x - y / 1 + xy, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, आप इसको लिखोगे 1, इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स x, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, और साथ में कितना आएगा tan इनवर्स x। सिंपल सी चीज थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है, tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स जो 1 वैल्यू है वो कहां आती है, पाई बाय 4 पे, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स x ऐसा बन जाएगा। अब आपको मालूम है tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, जब tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तुम्हारे पास पाई बाय 4 बचेगा, इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास आएगा 3/2 tan इनवर्स x। अब हम लोग यहां से tan इनवर्स x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 3/2 को वहां ले जाएंगे, जब 3/2 को आप वहां लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2/3, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 6, और जो टेंजेंट पाई बाय 6 हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा बन गया, आपकी मर्जी है, आप इसको जितना लेंथी करना चाहें उतना लेंथी कर सकते हैं, लेकिन नंबर तो आपको पेपर में चार ही मिलने हैं, है ना, तो इससे भी आपको पूरे चार नंबर मिलेंगे। तो हमने इसको ध्यान से देखा, tan इनवर्स 1 - x / 1 + x, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स tan इनवर्स x विद द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। फिर हमने देखा tan इनवर्स, हमने इसको लगाया x - y / 1 + xy, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स tan इनवर्स x, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x - tan inverse y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4, इसको उधर लेके जाएंगे ऐड करेंगे 3/2 टाइम्स tan इनवर्स x, इसको उठा के उधर ले जाएंगे 2/3 होगा, इसको कैंसिल कर देंगे पाई बाय 6 आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 6, टेंजेंट पाई बाय 6 का मतलब है टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 का मतलब है 1/√3। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सीबीएसई ने 2016 में एक कोड में ये सवाल पूछा था चार नंबर का, उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट को मोल्ड कर दिया था, उस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं और आप पहचानने की कोशिश करना और उसको इसी के साथ कनेक्ट करना, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखो आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में हमारे पास था tan इनवर्स 2 - x / 2 + x,
is equal to 1 by 2 times tan inverse x by 2 and the value of x by 2 is greater than 0. मुझे याद नहीं कि x 0 से बड़ा था, x by 2 0 से बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन ये x से लगा लो, चलो x 0 से बड़ा होगा तो obvious ही बात है x by 2 भी अपने आप 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपसे कहता है आप ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, आप इसको इस क्वेश्चन को पिछले वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करो। इतना मैं इसको वेरीफाई भी कर देता हूं, x 0 से बड़ा था और x by 2 0 से बड़ा था। जल्दी-जल्दी कीजिए इसको। तुम्हारे पास है टेंजेंट इनवर्स 2 - x / 2 + x, दिस इज इक्वल टू 1 / 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स 1 by 2 times tangent inverse x by 2, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है। तो आपको बताना है कि बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है नहीं? जल्दी जल्दी से कीजिए, बात बताइए कैसे करेंगे इसको। पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्ट करके देखिए कि पिछले वाले क्वेश्चन से ये वाला जो क्वेश्चन है वो कनेक्ट होता है या नहीं होता है। अगर होगा तो फिर कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, फटाफट से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए इसको फटाफट, हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू, चल छोड़ो इसको, कोड में था मिल नहीं रहा है अभी। Tangent inverse 2 minus x divided by 2 plus x is equal to 1 by 2 times tangent inverse x by 2. ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाला बन जाएगा अगर आपने यहां से 2 को कॉमन निकाल लिया 1 minus x by 2, यहां से 2 को कॉमन निकाल लिया 1 plus x by 2, this is equal to 1 by 2 times tangent inverse x by 2. 2 से 2 कटेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, this will be tangent inverse 1, इसको लिखेंगे minus का tangent inverse x by 2, this is equal to 1 by 2 times tangent inverse x by 2. बिल्कुल same identity बनेगा, tangent inverse x minus y divided by 1 plus xy when the value of xy is less than, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो आप देखना जो 1 value होती है वो कहां आती है, pi by 4 पे, आप इसको उठा के उधर ले जाना, 1 by 2 times tangent inverse x by 2, और हम इसको लिखेंगे this will be tangent inverse x by 2. जब आप इसको लिखेंगे तो ये पाई बाय 4 होगा, ये हमारे पास बनेगा 3 बाय 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x बाय 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको उठा के नीचे लेके आओ, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा x बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6। हम लोगों को मालूम है जो टेंजेंट पाई बाय 6 है दिस इज इक्वल टू 30, और 30 का वैल्यू √3 है, और जब आप यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 by √3। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन था जो हमारी बुक में था, स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमाया गया है, बस सीबीएसई के पेपर में इतना ही किया जाता है, इससे ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, वो भी आपकी बुक से होगा। अगर क्वेश्चन कोई बाहर से होगा तो आप उसके अंदर एक या दो स्टेप लगाना, एक या दो स्टेप लगाते सर मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल वैसा दिखने लगेगा जैसा जैसा क्वेश्चन हमारी किताब के बीच में है। इसलिए ज्यादा स्टेटमेंट को मोल्ड नहीं किया जाता, बहुत सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई जो है वो यहां से पूछता है, ठीक है जी। चलें फिर आगे, चलिए जी, ये क्वेश्चन था हमारे सीबीएसई के 2016 में, आप देख लेना किसी कोड में मिल जाएगा आपको पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट जो है वो भी बहुत अच्छा पार्ट है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखना हमने उसको कैसे कैसे किया है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में आपसे कहता है टेंजेंट इनवर्स 2x / 1 - x² प्लस का कोटेंजेंट इनवर्स 1 - x² / 2x, और आपसे कहता है दिस इज इक्वल टू पाई / 3, आपसे कहता है पाई / 3 के बराबर है, और आपको यहां से x का वैल्यू बताना है क्या आएगा, ठीक है ना? हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2x / 1 - x² प्लस का कोटेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x और इज इक्वल टू पाई बाय 3। सबसे पहले तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम इन दोनों को एक जैसा बना ले, एक टेंजेंट लिखा है कोटेंजेंट लिखा है तो हम लोग कोटेंजेंट को टेंजेंट में चेंज कर लेंगे, और आपको मालूम है जो कोटेंजेंट इनवर्स थीटा है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x / 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स, ये हमारे पास आएगा 2x / 1 माइनस एक्स के, ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3, ऐसे होगा ना, क्योंकि आपको मालूम है जो कोटेंजेंट इनवर्स थीटा है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 / थीटा, ऐसा होता है, सही है। अगर मैं अपनी थोड़ा सा दृष्टि दौड़ाऊंगा तो दृष्टि दौड़ाते सर मुझे समझ में आएगा कि 2 टेंजेंट इनवर्स x दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x / 1 - x² when the value of x lies between -1 and +1, ऐसा होता है, तो आप इसको लिख दो, जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, this will be 2 tangent inverse x
जब हम इसको लिखेंगे तो ये भी कितना आएगा, 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x, एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पाई बाय 3 के. 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस का 2 टेंजेंट इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3. जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस का 2 टेंजेंट इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 4 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू पाई बाय 12. So the value of x will be equal to tangent of pi by 12. हम लोग pi को लिख सकते हैं 180 divided by 12. इसको cancel करेंगे तो कितना होगा, 15. तो x का value आएगा tangent 15 degree. तो हम लोग tangent 15 की value निकाल सकते हैं. आप इसको लिख सकते हो tangent 15. इस tangent 15 को हम लिख सकते हैं tangent 45 और minus 30. 45 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा. तो टेंजेंट ए माइनस बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. जो टेंजेंट ए माइनस बी का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए इनटू टेंजेंट बी. ऐसे बना, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए इनटू टेंजेंट बी. तो जब आप इसको लिखोगे, 45 का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 बाय रूट 3, इसका वैल्यू 1 है, और जब हम इसको लिखेंगे तो दिस विल बी 1 बाय रूट 3. तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा रूट 3 माइनस 1, और इसको हम लिखेंगे कितना आएगा, रूट 3 प्लस 1. तो जो x हमारे पास है, x विल बी इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1. तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं. जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड. जब ऊपर वाला देखेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये से कैंसिल होगा. उसके बाद हम इसके ऊपर a माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी खोल सकते हैं. जब आप इसमें a माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इनटू a इनटू b डिवाइड बाय 3 माइनस 1, ये से कैंसिल होगा. तो x का वैल्यू आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाय 2. हम इसको लिखेंगे 4 माइनस 2 रूट 3 बाय 2. हम इसको लिख सकते हैं 4 बाय 2 और माइनस का 2 रूट 3 बाय 2, इसको भी कैंसिल कर देंगे. तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 2 माइनस रूट 3. जो 2 माइनस रूट 3 है, उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 15 डिग्री इसका वैल्यू था. 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए इसका वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आता है. आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, रूट 3 का वैल्यू 1.732 है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए. बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई अपने पेपर में इसको पूछता है. उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा. टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कोटेंजेंट इनवर्स, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, उसके बाद हमारे पास लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x इज इक्वल टू पाई बाय 3. तो हमने सबसे पहले कोटेंजेंट को टेंजेंट में बदल दिया. ये वाली चीज 2 टेंजेंट इनवर्स x की होती है, ये भी 2 टेंजेंट इनवर्स x की होती है, 4 टेंजेंट इनवर्स x पाई बाय 3. सो टेंजेंट इनवर्स x पाई बाय 12, x टेंजेंट पाई बाय 12, टेंजेंट 15, 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, टेंजेंट a माइनस b, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b. टेंजेंट 45 का वैल्यू 1, टेंजेंट 30 का 1 बाय रूट 3, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय रूट 3, रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, रेशनलाइज कर दिया. ऊपर लिखेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, नीचे आएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे, 4 से जाएगा 2 और माइनस का रूट 3. तो जो x होगा उस x का वैल्यू हमारे पास आएगा 2 और माइनस का रूट 3. उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी. चलें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. उम्मीद करते हैं आपने ये समझ लिया होगा. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे. देखिए इसके बाद हमारे पास टेंजेंट में एक छोटी सी आइडेंटिटी और है, वो आपकी इच्छा है. अगर आप अप्लाई करना चाहो तो सीधी भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम दो दो के पेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन कई बार क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हो जाता है कि जिसमें दो दो के पेयर में अप्लाई करने पे हमारा टाइम बहुत खराब होता है, तो इसलिए ये ऐच्छिक है. अगर आप करना चाहें तो कर लेना, सीबीएसई के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लो, आसान है, मुश्किल नहीं है. ठीक है, आपसे क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई और प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड. आपसे कहता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड. तो आपसे क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो आंसर आता है उसका इसके साथ फॉर्मूला लगा लेते हैं. गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स हम लोग इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स.
टेंजेंट इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का x y z डिवाइड बाय 1 माइनस x y माइनस y z और माइनस का क्या आएगा z x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे x y z जो है वो सारे के सारे क्या है रियल नंबर्स होने चाहिए। इसके ऊपर हमारी बुक में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है हमारी बुक में, 11th का फर्स्ट पार्ट। 11th के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस का टेंजेंट इनवर्स y और प्लस का टेंजेंट इनवर्स z, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। आपसे कहता है प्रूव करके दिखाइए, यू हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिस इज इक्वल टू 1। हम लोगों को प्रूव करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा 1 के। टेंजेंट इनवर्स x प्लस का टेंजेंट इनवर्स y प्लस का टेंजेंट इनवर्स z, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जब हम इसके अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसा बनेगा ना, टेंजेंट इनवर्स x प्लस का टेंजेंट इनवर्स y प्लस का टेंजेंट इनवर्स z जो था वो पाई बाई 2 के बराबर था, तो हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया। ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट पाई बाई 2। टेंजेंट पाई बाई 2 का मतलब 90 और 90 का मतलब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 बाय 0 या समथिंग बाय 0, ऐसे होगा ना स्टार बाय 0। स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और आप इसको लिख सकते हैं स्टार 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अब ये जो स्टार हमारे पास है वो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, हमने इसको उठा के इसके नीचे लिखा तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है इसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो आप इसको लिखोगे एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। वैसे तो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत चीज है ना, स्टार बाय जीरो हम लोग इसको लिख नहीं सकते हैं, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, ये तो गलत चीज है बिल्कुल। लेकिन अगर पेपर में आता है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसे कर देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, वैसे ऐसे लिखना सही नहीं है कि हम लोग इसको, हम सीधा लिख सकते हैं यहां से कि 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये नॉन जीरो नंबर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया है, अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये उधर जाएगा 0। इसको उधर लेके जाएंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट है, इसी का पार्ट है, अगले वाला पार्ट अच्छा है, वो पेपर में आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान से करना है, आ तो ये भी सकता है। आपसे क्या कहते हैं, देखो आपसे कहता है प्रूव दैट, ऐसा हमें दिया है, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स वाई जेड बाय एक्स आर, फिर क्या है प्लस का टेंजेंट इनवर्स जेड एक्स बाय वाई आर, और फिर हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई बाय जेड आर। ठीक है, आपसे कहता है दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 वेयर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। जो हमारे पास आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर के बराबर होगा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स वाई जेड बाय एक्स आर प्लस का जेड एक्स बाय वाई आर प्लस का टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई बाय जेड आर, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, ये हमारे पास आएगा वाई जेड बाय एक्स आर जेड एक्स बाय वाई आर एक्स वाई बाय जेड आर माइनस, हम इसको लिख सकते हैं वाई जेड बाय एक्स आर मल्टीप्लाई जेड एक्स बाय वाई आर मल्टीप्लाई एक्स वाई बाय जेड आर।
अपॉन, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस वाई जेड बाई एक्स आर मल्टीप्लाई जेड एक्स बाई वाई आर, माइनस का जेड एक्स बाई वाई आर मल्टीप्लाई एक्स वाई बाई जेड आर, माइनस का वाई जेड बाई एक्स आर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई बाई जेड आर के साथ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पिछले वाला आइडेंटिटी लगा दिया, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस का टेंजेंट इनवर्स जेड, हमने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड। चलिए ऊपर वाले को ऐसे का ऐसे लिख दो, टेंजेंट इनवर्स ये हमारे पास बनेगा वाई जेड बाई एक्स आर जेड एक्स बाय वाई आर एक्स वाई बाय जेड आर, और इसको लिखेंगे तो वाई से वाई कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा और जेड से जेड कटेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा माइनस का एक्स वाई जेड बाय आर का क्यूब। हमारा इंटरेस्ट ऊपर वाले में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नीचे वाले में है, नीचे वाला हमारे बहुत काम का है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, जेड से जेड कटेगा, वाई से वाई कटेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसे इसको लिखोगे जेड से जेड कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स जो ऊपर वाला है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, है ना। मैंने इसको नाम दे दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने इसको नाम दे दिया कैपिटल ए का। तो आपने इसको लिख दिया कैपिटल ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो आपको मालूम है जो आर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, आर स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है, तो इसमें लगा दो तो हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर है, तो ऐसे हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स ए डिवाइड बाय 0, जो ए है वो सेम टू सेम इसका वैल्यू है। आपको मालूम है समथिंग बाय 0 कितना होता है, जो समथिंग बाय 0 है दैट इज इंफिनिटी, और आपको मालूम है जो इंफिनिटी वैल्यू हमारे पास होती है, इंफिनिटी वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 के ऊपर होती है। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट जाएगा, जब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कटेगा तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स काटने के बाद जो हमारा आंसर है दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड का आइडेंटिटी लगाया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और इसको लिखेंगे क्या आएगा वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 1 माइनस इसमें ले लेंगे एलसीएम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 होता है, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी पाई बाय 2 पे होता है, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और जब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होगा तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल करने के बाद जो हमारा आंसर है वो किसके बराबर होगा पाई बाय 2 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो सिंपल आइडेंटिटी बेस था, अगर आप इसको दो दो के पेयर में लगाने लग जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हो जाएगा और आंसर बहुत दिक्कत आएगा ना, तो आप सिंपल आइडेंटिटी है लर्न कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सीबीएसई के पेपर में वैसे इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कोई घर से लड़के आया हो तो इस तरह के सवाल पेपर में पूछ भी लेता है। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक में लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहता है कोस, उसकी ब्रैकेट में लिखा है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/7, फिर हमारे पास लिखा है साइन ऑफ 4 टाइम टेंजेंट इनवर्स 1/3, हम लोगों को प्रूव करनी है ये वाली चीज की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इस वाले सवाल में लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, इस वाले सवाल में हल्का फुल्का थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी सवाल में करने लायक कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, जब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो आप क्या लिखोगे कोस ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले
बीच में टू टेंजेंट इनवर्स x की आइडेंटिटी खोल दो। तो जब आप इसमें टू टेंजेंट इनवर्स x की आइडेंटिटी खोलेंगे तो आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स, आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 7 और 1 माइनस 1 बाय 7 का होल स्क्वायर, है ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, 2 टेंजेंट इनवर्स x, तो हम 2 टेंजेंट इनवर्स x को लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा कोस, इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, ये बनेगा 2 बाय 7, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय 49, तो हमारे पास आएगा कोस, तो आप इसको लिखोगे टेंजेंट इनवर्स 2 बाय 7, दिस विल बी 49, और नीचे लिखोगे तो कितना आएगा 48, इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 7 से जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 24 से जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह के सवाल सोल्व करने मैंने आपको सिखाए थे, मैंने आपसे बोला था जो भी बीच में होता है उसको थीटा मान लेते हैं, तो टेंजेंट इनवर्स 24 बाय 7 थीटा, सो 24 बाय 7 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का जो मतलब है ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 24 है, ये 7 है, और जब हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 576 और प्लस का 49, तो 576 प्लस का 49 दैट विल गिव्स यू 625, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है जी। चलिए अब क्या निकालेंगे, कोस थीटा, तो कोस थीटा हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 बाय 25, सो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 7 बाय 25 ऐसे आएगा। और हमने थीटा माना किसको था, हमने थीटा माना उल्टा, हमने थीटा मान लिया 7 बाय 24 मानना था, चल कोई बात नहीं, इस 24 बाय 7 की जहां आप लिखो 7 बाय 24, आप इसको लिखोगे 7 बाय 24, है ना, आप इसको लिख दोगे 7 और इसको लिख दोगे 24, बिल्कुल सेम जाएगा, ये हमारे पास आएगा 24 बाय 25 और इसको लिखेंगे तो 24 बाय 25, तो इसको लिख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा कोस, फिर हमारे पास आएगा कोस इनवर्स 24 बाय 25, कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल होगा तो कैंसिल होकर हमारे पास आएगा 24 बाय 25, बहुत सिंपल सी चीज थी। कोस उसकी ब्रैकेट में लिखा है 2 टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 7, तो हमने 2 टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 7 का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है, तो हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1 बाय 7, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड है उसको कंप्लीट करना है आज के इस वीडियो लेक्चर में, आप इसको ये आपका होमवर्क है, आप इसको अपने आप से करना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।